हेलो फ्रेंड्स, भाई का वार्क यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत भाई का कमेंट आ रहा था, भाई हम जब 90 डिग्री एंगल पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारा वेल्डिंग कुछ ऐसा होता है जो हमारा नीचे का साइड वेल्डिंग लग रहा है, ऊपर का साइड में कोई वेल्डिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो वेल्डिंग देख रहे हो आप, ये एक साइड लगा है और दूसरा वाला पार्ट में नहीं लगा है। ये क्यों होता है, इस बारे में हम पूरा ए टू जेड बात करेंगे। ऐसा जब आप वेल्डिंग कर रहे हो 90 डिग्री एंगल पे, आपको कुछ बात ध्यान रखना है। एक एंगल का फ्रेम है, इसके ऊपर मैं ये जो हॉलो पाइप है इसको मैं रखूँगा। ये पोजिशन आपका पूरा 90 डिग्री एंगल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका वेल्डिंग नीचे हो रहा है, एक ऊपर का पार्ट में नहीं लग रहा है, या सिर्फ ऊपर का पार्ट में लग रहा है, नीचे का पार्ट में नहीं लग रहा है, या दोनों में ही लग रहा है, लेकिन इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, लेकिन आपका जो जॉइंट है वेल्डिंग का वो मिडिल से गैप है। आपको इधर भी थोड़ा वेल्डिंग हुआ है, इधर भी हुआ है, लेकिन जगह जगह पे आपका गैप आ रहा है, ठीक है, तो नहीं लग रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है तो सुनिए। आप कोई भी वेल्डिंग रॉड जला रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस वेल्डिंग रॉड को जलाने का परफेक्ट जो वोल्टेज होता है, परफेक्ट जो करंट होता है, उसको कितना में रखना है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आप जब ऐसा 90 डिग्री एंगल पे वेल्डिंग कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका जो वेल्डिंग रॉड है आपका थोड़ा वेल्डिंग रॉड टेपर होना चाहिए। और साथ में क्या करते हो आप लोग, ये गलती कर बैठते हो, जो ऐसे जो बिगिनर भाई है वो क्या करता है, ऐसे वेल्डिंग रॉड को लगाता है, ऐसे एक होता है, ऐसे आस्ते आस्ते लेके जाता है, ऐसे लेके जाता है। वो जान गए है वेल्डिंग ऐसे आस्ते आस्ते होता है, तो आस्ते आस्ते लेके जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता नहीं रहता है, जब फर्स्ट टाइम आप वेल्डिंग सीख रहे हो तो बहुत भाई क्या करता है, ये जो वेल्डिंग रॉड है ये थोड़ा गैप में ऐसे ऊपर में पकड़ के ऐसे वेल्डिंग मारता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका ये जो रॉड है वेल्डिंग रॉड, ये जो मेल्ट होता है ना, मेल्ट होके ये नीचे पकड़ लेता है, ऊपर का साइड आपका पकड़ता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना चाहिए, 10 नंबर अगर वेल्डिंग रॉड जला रहा हो तो आपको कितना करंट होना चाहिए ये पता रहना चाहिए। और दूसरा बात जो है, आपको ऐसे वेल्डिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नीचे का तरफ है, ये नीचे का बॉटम साइड है, ये ऊपर का साइड है, ये हो गया हमारा 90, ठीक है। 90 में जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, आपको ऐसे वेल्डिंग करना है, रॉड को लेके जाइए, जलना शुरू हो गया, आपको थोड़ा ऊपर का साइड में लेना है और नीचे जो ये है इधर रेस्ट कर देना है, फिर थोड़ा ऊपर लेना है, फिर नीचे जाके रेस्ट कर देना है, फिर ऊपर लेना है, फिर नीचे जाके रेस्ट कर देना है। ये जो नीचे बॉटम साइड है आपका, रॉड जब इसमें टच हो जाएगा तो आप सोचना आपको और इधर ज़्यादा जाना नहीं है, इधर ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इधर टच हो गया तो आप फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, ऊपर साइड आपको उठाना है वेल्डिंग रॉड, यही मेन चीज़ है। नीचे क्या जा रहा है वो बात नहीं है, लेकिन आपको ऊपर ऐसा ऐसा वेल्डिंग रॉड को ऊपर उठाना है, ठीक है। ये देखिए भाई, आप अगर 10 नंबर वेल्डिंग रॉड से वेल्डिंग कर रहे हो तो आपको 8 mm तक वेल्डिंग आ जाता है। तो आप पहले आप ऐसे हाथ उठाओ, 3-4 mm हाथ रॉड को उठाओ, फिर नीचे लो, फिर 3-4 mm उठाओ, फिर नीचे लो, 3-4 mm उठाओ, फिर नीचे लो, तो आपका वेल्डिंग देखना पूरा सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे आप जब ऐसे 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 ऊपर थोड़ा लेके जाओगे, नीचे कम लेके जाओगे, ऊपर थोड़ा, आपको ये समझना है, आपको जो वेल्डिंग रॉड माल जो आपका खिलाना है, आप ज़्यादा खिलाओगे ऊपर का माल में ज़्यादा खिलाओगे, ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे का साइड में आपको कम खिलाना है। तो आपको क्या करना है, ऊपर का साइड में रॉड को ज़्यादा रखना है। तो आपको ऊपर का साइड ज़्यादा रॉड ऊपर रखोगे तो आपका वेल्डिंग पूरा इधर स्टेड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप अगर ऐसा ऊँचा करके वेल्डिंग करोगे ना, आपका वेल्डिंग सही नहीं होगा, आपका वेल्डिंग जैसे पहले दिखाया मैंने वैसा वेल्डिंग आएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल वेल्डिंग नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे काम की वीडियो हम लेके आते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई काम के वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।